Hello, dear students, you are most welcome on this Grammar Point channel. मित्रों, आप देख रहे हैं ESV Grammar Point channel, जिसके माध्यम से आपको ग्रामर की जानकारी दी जा रही है और यह जानकारी प्राइमरी लेवल से लेकर के हायर लेवल तक के स्टूडेंट्स के लिए और साथ साथ तैयारी कर रहे हमारे अपने छात्रों के लिए भी उपयोगी है. हम चर्चा कर रहे थे पैसिव वॉइस की. मित्रों, पैसिव वॉइस के लिए 8 टेंस ही ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस में परिवर्तन होता है, चेंजिंग होती है. एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस होते हैं. जिस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, हम एक बार उसको आपको बताना चाहेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है. मित्रों, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है, सकर्मक क्रिया की ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है. इन ट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया की पैसिव वॉइस नहीं बनती है. मित्रों, ट्रांजिटिव वर्ब का पता लगाने के लिए हमने चर्चा किया था, आज फिर चर्चा कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने. वर्ब में व्हाट या हुम से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, यदि क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तब वर्ब ट्रांजिटिव होता है और उसी का पैसिव वॉइस हम बनाते हैं. यदि वर्ब से क्वेश्चन करने पर, वर्ब से व्हाट या हुम के माध्यम से क्वेश्चन करने पर यदि आंसर नहीं मिलता है तब वह वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, अकर्मक क्रिया होती है और उसका पैसिव वॉइस में चेंजिंग नहीं होता है. मित्रों, पैसिव वॉइस की जानकारी के लिए हमें 5 प्रकार के स्ट्रक्चर देखने पड़ते हैं. हमने चर्चा किया था, पहला है वर्ब डू का पैसिव वॉइस में चेंजिंग, वर्ब बी का पैसिव वॉइस में चेंजिंग, वर्ब हैव का पैसिव वॉइस में चेंजिंग, मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस में चेंजिंग एंड इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में चेंजिंग. आज इस कड़ी में हम बताएंगे मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस में चेंजिंग, पैसिव वॉइस में परिवर्तन. मित्रों, मॉडल वर्ब 13 होते हैं, लेकिन कुछ मॉडल वर्ब अक्सर ऑफन पूछे जाते हैं, तो हम उनकी चर्चा करेंगे. मॉडल वर्ब 13 होते हैं और उनका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का हम देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी का जब पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होता है और बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है, तो बड़ी आसानी से चेंज हो जाता है. एग्जाम्पल के लिए हम लिखेंगे सी कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें देखें मॉडल वर्ब कैन आया है. अगर हम पैसिव वॉइस में ध्यान दें तो इसका हो जाएगा इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई हर. आप ध्यान दें मित्रों कि पैसिव वॉइस में चेंज करते समय एक्टिव वॉइस के 1+2+3 को पैसिव वॉइस में 3+2+1 में चेंज कर देते हैं. 1+2+3 का ग्रामेटिकल नेम है 1 मीन्स सब्जेक्ट, 2 मीन्स वर्ब एंड 3 मीन्स ऑब्जेक्ट. अब हम निगेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे. 6 प्रकार की कल्पना की गई है सेंटेंस की, जिसको अगर हम जान लें तो काफ़ी आसान हो जाएगा, वेरी इजी हो जाएगा सेंटेंस को समझना. निगेटिव में सी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करें तो इंग्लिश कैन नॉट बी स्पोकन बाई हर. यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैन सी स्पीक इंग्लिश, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाई हर. निगेटिव सेंटेंस यदि लें तो कैन सी नॉट स्पीक इंग्लिश, पैसिव वॉइस में बनाएंगे कैन इंग्लिश नॉट बी स्पोकन बाई हर. फिर हम पहुंचते हैं WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस पर, हाउ कैन सी स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, पैसिव वॉइस में हाउ कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाई हर. अगला लास्ट है WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वाई कैन नॉट सी स्पीक इंग्लिश, इसका पैसिव वॉइस में चेंजिंग में होगा वाई कैन इंग्लिश नॉट बी स्पोकन बाई हर. तो इस प्रकार से चर्चा हुई मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस में चेंजिंग. अब कैन के स्थान पर कुड आ सकता है, विल आ सकता है, मे आ सकता है, शुड आ सकता है, तो इस प्रकार से हम इसको
लेकर के बना सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी से। फिर हम चर्चा कर रहे थे मित्रों, कैसे हम किसी हिंदी अक्षर को इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसमें जो प्रथम 13 अक्षर होते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ औ अं अः, इसके बाद फिर व्यंजन शुरू हो जाता है। हम जानते हैं इसमें जो चर्चा की गई है कि वर्ग बनाए गए हैं, क वर्ग च वर्ग टा वर्ग ता वर्ग क च टा ता पा वर्ग, वर्ग की कल्पना की गई है। और का में 5 अक्षर आते हैं, का खा गा घा अंगा, इसकी इंग्लिश में बता चुका हूँ आपको। च वर्ग में चा छा जा झा इया, टा वर्ग में टा ठा डा ढा अड़ा, ता वर्ग में ता था दा धा ना, उसी प्रकार पा वर्ग में पा फा बा भा मा आता है। तो आज हम बताएंगे कैसे 12 खड़ी के माध्यम से अक्षरों को ऊपर मात्रा कैसे अप्लाई की जाती है। तो का और खा की चर्चा मैंने कल किया था, आज गा घा की करेंगे। ग लिखना है तो जी ए लिखेंगे, गा जब बोलते हैं तो आ अपने आप छिपा रहता है, जी ए गा आ की मात्रा लगा दें तो टाइम टेकिंग लेटर है, जी डबल ए गा, जी आई गी जल्दी से बोलते हैं, जी डबल ई गी, जी यू गु, जी डबल ओ गू, गे जी ई गे, गए जी ए आई गए, जी ओ गो, जी ए यू गौ, जी ए एन गन, जी ए एच गह। इसी प्रकार घा की चर्चा हम करेंगे, घा जी एच ए घा बोलते हैं तो टाइम लगता है, आ अपने आप निकल जाता है, विदाउट वावेल कॉन्सोनेंट इज नॉट पॉसिबल। तो घा जब लिखेंगे तो जी एच ए घा, जी एच डबल ए घी, जी एच आई घी, जी एच डबल ई घू, जी एच यू घू, जी डबल जी एच डबल ओ घे, जी एच ई घय, जी एच ए आई घो, जी एच ओ घओ, जी एच ए यू घन, जी एच ए एन घा, जी एच ए एच। इस प्रकार से घा पर सभी मात्रा कैसे लगती है, अंगा पर मात्राएं नहीं लगाते हैं मित्रों। इसी प्रकार च वर्ग में भी 5 होते हैं, उसमें जो अंतिम अक्षर इया होता है उस पर मात्रा नहीं लगती है, 4 पर मात्राएं लगती हैं। हम चर्चा करेंगे च सी एच ए, चा सी एच डबल ए, ची सी एच आई, ची सी एच डबल ई, सी एच आई से भी बड़ी लगता है, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ चू, चे सी एच ई, चै सी एच ए आई, चो सी एच ओ, चौ सी एच ए यू, चन सी एच ए एन, चह सी एच ए एच। छ पर देखते हैं कैसे लगता है, छ सी डबल एच ए, छा सी एच डबल ए, छी सी डबल एच आई, छी सी एच डबल ई, छू सी एच सी डबल एच यू, छू सी डबल एच डबल ओ, छे सी डबल एच ई, छय सी एच ए आई, छो सी डबल एच ओ, छओ सी डबल एच ए यू, छन सी डबल एच ए एन, छ सी डबल एच ए एच। यहाँ पे मात्रा नहीं लगती है। तो इस प्रकार से ये 12 खड़ी है, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, बिना इसकी जानकारी के करेक्टली वर्ड लिखना मुश्किल है, कठिन है। तो इस प्रकार हम इसको देखते रहेंगे। चैनल को आप लाइक ज़रूर करें, अगर आपके समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, कमेंट को हम ध्यान से देखते हैं फिर उसकी रिप्लाई भी करते हैं, और शेयर करें। थैंक यू।